जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कि उसमें क्या क्या मतलब लेता है आईटीआई के अलावा। तो देखिए मिनिमम आपको आईटीआई 10+ आईटीआई जरूर होना चाहिए। अगर आपका आईटीआई नहीं है, पॉलिटेक्निक या कुछ भी उससे अगर हायर एजुकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मैट्रिक+ आईटीआई होना अनिवार्य है। और जैसे बहुत से लोग कमेंट किए हैं कि क्या अगर असिस्टेंट ऑपरेटर अगर लेवल 4 का है तो उसमें क्या आईटीआई के अलावा और कुछ लेगा? तो नहीं, बिल्कुल आपको एसबीओ, जेएलएम और जो भी टेक्निकल ग्रेड 4 है एक, और एक असिस्टेंट ऑपरेटर है, उस सभी के लिए एक ही है, एक ही योग्यता है, बस 10+ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, आपका ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। बाकी जो भी ट्रेड वाले हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं, वायरमैन हो गए, चाहे जो भी हैं, फीटर हो गए, तो वो लोग इलिजिबल नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन केवल चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो तो चलेगा, लेकिन आईटीआई और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ये दोनों अनिवार्य है। बाकी इससे ज़्यादा है तो अच्छा बात है, के पास अगर कोई और डिग्री है तो, लेकिन ये होना ज़रूरी है। और बहुत से कमेंट हैं अप्रेंटिस के बारे में, तो अप्रेंटिस वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और अप्रेंटिस है वो भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन पहले से है, और एक और उनके पास अप्रेंटिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे ट्रेड वाले हैं या जो केवल अप्रेंटिस कहीं से किए हुए हैं तो वो लोग इसमें नहीं है, एलिजिबल नहीं है। और जैसे देखिए बहुत से लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि जो एसबीओ और जेएलएम और जो टेक्नीशियन ग्रेड 4 है वो तो लेवल 3 का है तो उसका तो आईटीआई है, और जो असिस्टेंट ऑपरेटर है वो लेवल 4 का है तो उसका जो क्वालिफिकेशन है वो हायर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए एक ही है आईटीआई 10+ आईटीआई, वो भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए।